हिंदू सनातन धर्म में ये माना जाता है कि हमने पुराने जन्म में जितने कर्म किए होते हैं उसका एक ब्लूप्रिंट बनाकर ईश्वर हमें इस जन्म में भेजते हैं, और इसे पढ़ने वाले विद्वान बता सकते हैं कि आपको इस जन्म में कितने स्ट्रगल होंगे या कितने अचीवमेंट्स आप प्राप्त करोगे। तो हमारी हथेली की रेखाएं हमारा प्रारब्ध है। क्या है ग्रहों की चाल, सनातन रीतियों और ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से हमको किस रहस्यमय दुनिया को देखेंगे, सितारों के राज खोलेंगे। राधे राधे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी हथेली के एक ऐसे चिन्ह को जो बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है, गॉड गिफ्टेड साइन माना जाता है, और अगर ये किसी की हथेली में होता है तो उस इंसान को सफलता की चोटी में पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। और इफ एनी केस वेरी रेयर, अगर आप सफलता से अभी बहुत दूर हैं तो इस चिन्ह के होने के बावजूद आपको इसे एक्टिवेट करने के लिए कौन से वो उपाय करने, ये भी आज आप इस वीडियो के एंड तक जरूर सीखेंगे। तो आज मैं बात कर रहा हूं आपकी हथेली में बने क्रॉस की। अब ये क्रॉस हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में किसी भी प्रकार का हो सकता है। आपको कंफ्यूजन ना हो कि आपको अपना दायां हाथ देखना है या बायां हाथ देखना है, तो मैं अभी क्लियर कर दे रहा हूं, आप चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आपके किसी भी हथेली में अगर ये चिन्ह है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं तो इस वीडियो में बताई गई सभी बातें आप पर 110% लागू होंगी। ओके, तो आई गेस यहां पर आपकी ये कंफ्यूजन करेक्ट हो गई हो। अब ये हथेलियों की जो रेखाएं होती हैं, हथेलियों में जो चिन्ह होते हैं, स्पेशल चिन्ह होते हैं, हर किसी की हथेली एक जैसी नहीं होती है, ये क्या है, क्यों हमें हथेली की रेखाएं देखनी है, तो ये है आपका प्रारब्ध। प्रारब्ध मतलब होता है, हिंदू सनातन धर्म में ये माना जाता है कि हमने पुराने जन्म में जितने कर्म किए होते हैं उसका एक ब्लूप्रिंट बनाकर ईश्वर हमें इस जन्म में भेजते हैं, और इसे पढ़ने वाले विद्वान बता सकते हैं कि आपको इस जन्म में कितने स्ट्रगल होंगे या कितने अचीवमेंट्स आप प्राप्त करोगे। तो हमारी हथेली की रेखाएं हमारा प्रारब्ध है, और इसी नोट के साथ आज का हम अपना ये वीडियो शुरू करते हैं। बात कर रहे हैं आपकी हथेली में बने क्रॉस के चिन्ह की। अब आप पॉइंट नोट करते जाइएगा, अगर ये एक्स का चिन्ह आपकी हथेली में है तो नंबर वन, आप बहुत रिलीजियस होते हो, आप किसी भी धर्म से बिलोंग कर रहे हो, उस धर्म से जुड़ी परंपराएं, उस धर्म से जुड़ी कथाएं, पूजा पाठ, उन सब में आपका यकीन होता है और किसी ना किसी तरह से आप वो डेली एक्टिविटी या डेली रूटीन में परफॉर्म भी कर रहे होते हैं। दूसरा, ऐसे लोगों को देखा गया है कि इनके अंदर बड़प्पन बहुत होता है, ये दूसरों के लिए पहले काम कर देंगे या दूसरों की नीड को फुलफिल करने के लिए पहले आतुर हो जाएंगे, मदद कर देंगे, अपने लिए थोड़ा सेकंड ही सोचते हैं, तो बड़प्पन इनके अंदर बहुत पाया जाता है। ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि ये थोड़े बहुत लीडरशिप क्वालिटी के साथ भी पैदा होते हैं, यानी कि अगर इनको 4 लोगों के बीच में छोड़ दो, 10 लोगों के बीच में छोड़ दो, तो वहां पर भी ये अपनी लीडरशिप क्वालिटी को उसका दमखम दिखाकर मानते हैं। ये एक बड़े से ग्रुप को कंट्रोल करना, एक टीम लीडर बनने वाली क्वालिटी अपने अंदर रखते हैं। ऐसे लोगों को देखा गया है कि इनको हमेशा प्रोटेक्शन मिलता रहता है, कभी वो माँ बाप का प्रोटेक्शन हो सकता है, कभी वो दोस्त यारों का प्रोटेक्शन होता है। दोस्त यारों से आया है कि इनका जो फ्रेंड सर्कल होता है ना, वो हमेशा ही बहुत अच्छा होता है, इनको यारों का यार कहना बुरा नहीं होगा, गलत नहीं होगा, तो इनको हमेशा अच्छे दोस्त मिलते हैं जिनका सपोर्ट, इनका साथ इनको इनकी लाइफ में जरूर मिलता है। ऐसे लोग राजयोग लेकर आते हैं कि राजयोग को दिखाने का हथेली में ये एक चिन्ह भी है, इसलिए हर पामिस्ट या पाम लीडर इस चिन्ह को राजयोग का प्रतीक भी मानता है। ऐसे लोग आपको अक्सर दान पुण्य करते हुए मिलेंगे, दूसरों की जनता की हेल्प करते हुए मिलेंगे, क्योंकि इनका ये नेचर है, बाय डिफॉल्ट नेचर, ना चाहते हुए भी कितनों का भला कर जाते हैं इनको भी पता नहीं होता है। ऐसे लोगों को ये भी देखा गया कि इनके पास जितना कुछ है ये उतने से ही लोगों की हेल्प करते रहते हैं, और इसी वजह से इनको हमेशा भगवान की एक ना दिखाई देने वाली सहायता मिलती रहती है। ये किसी भी मझधार में अगर पड़े होंगे ना, कोई इनका साथ नहीं दे रहा होगा, तो कहीं ना कहीं से भगवान ही कुछ ऐसी रास्ते बना देंगे कि इनकी वहां पर हेल्प हो जाएगी। ऐसा चिन्ह लोगों को इज्जत बहुत दिलाता है, और अक्सर ये देखा गया है कि 30 की उम्र के बाद इनका भाग्योदय अचानक से हो जाता है, सफलता, धन, परिवार, वैभव, समृद्धि सब कुछ इनके हाथ लग जाती है। अब इन एनी केस अगर आपकी हथेली में चिन्ह है, प्रॉपर ये चिन्ह है, और उसके बावजूद आप सफलता से बहुत दूर हैं, तो मैं जो उपाय आपको आज यह बता रहा हूं इस वीडियो में, उसको कुछ दिन अपना कर देखिए। सबसे पहले जब भी आप सुबह उठ रहे हैं तो जमीन पर पैर रखने से पहले अपनी दोनों हथेलियों को ऐसे रखिए, सुबह उठने के बाद इनको निहारिए, अपनी हर एक रेखा को निहारिए, अपने एक्स क्रॉस के चिन्ह को निहारिए, और उसके बाद इन दोनों हाथों को मलते हुए अपने चेहरे पर लगाते हुए
तब जाके भगवान को याद करिए और पैर जमीन पे रखने से पहले धरती माता के पैर छू के उसके बाद अपना बेड छोड़िए और उसके बाद अपने दैनिक क्रियाकलापों में लग जाइए। ये बहुत ही छोटा सा उपाय है पर इसको कुछ दिन आप करके देखिएगा, आप अपने जीवन में कई सारे पॉजिटिव चेंजेस देखेंगे। तो जैसा हमने डिस्कस किया कि जिसकी भी हथेली में क्रॉस का चिन्ह है ये रिलीजियस है, ये थोड़ा सा फिजूल खर्ची भी देखा जाता है, ये दोस्तों का साथ देने वाला होता है, इसको दोस्त बहुत अच्छे मिलते हैं, इसको प्रोटेक्शन लाइफ में बहुत ज्यादा मिलता है, एक बड़प्पन इनके अंदर हमेशा से होता है, जितना कुछ भी इनके पास है लोगों की हेल्प उससे करते रहते हैं। तो इस नोट के साथ हम इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं और इसी तरह के दिलचस्प और पामिस्ट्री से जुड़े वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और हाँ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।